हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, करंट अफेयर के इस पार्ट में हम लोग स्पोर्ट खेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें 2018 में जो भी खेल हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरे एक साल को डिस्कस करने वाले हैं, तो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा स्पोर्ट से जितना न्यूज है वो आपका कवर हो जाएगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, समय बिल्कुल नहीं है, मात्र अब एक दिन का समय बचा हुआ है, 1 से 2 दिन समय है। संडे को एग्जाम होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में स्पोर्ट पूरा हम कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले 23वां शीतकालीन ओलंपिक 2018 को हम लोग देखते हैं। 23वां शीतकालीन ओलंपिक 2018 से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले, इसका आयोजन कब हुआ? 9 से 25 फरवरी तक ये चला 2018 को। स्थल कहाँ पे ये हुआ? प्योंगचांग, ये दक्षिण कोरिया में है। यहाँ पे इसका आयोजन किया गया 23वें शीतकालीन ओलंपिक का। इसका मैस्कॉट क्या था? शुभंकर क्या था? इसका मैस्कॉट था सोहोरांग, एक सफेद बाघ। ओके, एक सफेद बाघ इसका शुभंकर था, मैस्कॉट था। इसका मोटो क्या था? लक्ष्य क्या था? पैशन कनेक्टेड, पैशन कनेक्टेड इसका मेन मोटो था। ओके, मोटो। खेलों की संख्या, देखिए ये सब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इसमें टोटल 15 खेल हुए और टोटल खेलों में 102 स्पर्धाएं हुई, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से भी पूछा जा सकता है। शुभंकर भी पूछा जाता है, मोटो भी पूछा जाता है, स्थल भी पूछा जाता है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाग लेने वाले देशों की संख्या, टोटल 92 देशों ने, 92 कंट्रीज इसमें भाग लिए। खिलाड़ी थे 2922, 2922 खिलाड़ी टोटल इसमें थे, और खिलाड़ियों की ओर से शपथ ली मोताई बूम, ये दक्षिण कोरिया के हैं। 23वें शीतकालीन ओलंपिक में प्रतिबंधित देश कौन सा था? तो ये था रसिया। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है कि प्रतिबंधित देश कौन था। 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा और कब होगा? 2022 में होगा 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन, बीजिंग में होगा, चीन की राजधानी है बीजिंग। ओके, अब हम लोग पदक तालिका को देख लेते हैं। 23वें शीतकालीन ओलंपिक में किसने कौन सा पदक जीता है? सबसे नंबर वन पे कौन रहा है? भारत की स्थिति क्या रही है? सबसे नंबर वन पे कौन रहा है? दूसरे पे कौन रहा है? ज्यादातर नंबर वन देश कौन सा है ये पूछा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले नंबर पे है नार्वे। नार्वे ने टोटल 39 39 पदक जीते हैं, जिसमें से स्वर्ण गोल्ड 14, रजत 14 और 11 कांस्य। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, 14 14 इन्होंने स्वर्ण और रजत जीता है नार्वे ने, और कांस्य 11 जीता है। अगर ये इतना भी आप याद रखते हैं और टोटल याद रखते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं कि कांस्य कितना जीता। ओके, दूसरे स्थान पर रहा है जर्मनी। जर्मनी 14 स्वर्ण 10 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, टोटल इन्होंने 31 पदक जीता। कनाडा तीसरे स्थान पर रहा है, 11 स्वर्ण 8 रजत 10 कांस्य। ओके, टोटल इसने 29 29 पदक जीता कनाडा ने। इसके बाद चौथे स्थान पर रहा है अमेरिका, 9 स्वर्ण 8 रजत 6 कांस्य, टोटल 23। और देखिए, कहीं भी अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि यहाँ पे मुझे डाउट है, आप क्लियर कीजिए। इसके बाद पांचवे पे है नीदरलैंड। नीदरलैंड 8 स्वर्ण 6 रजत 6 कांस्य, टोटल 20 पदक नीदरलैंड ने जीता है। ओके, अब इससे संबंधित कुछ और चीजें देख लेते हैं। रूसी खिलाड़ियों जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को ध्वज तले इन खेलों में भाग लिया था, इन्होंने 2 स्वर्ण सहित टोटल 17 पदक जीते, 2 स्वर्ण 6 रजत और 9 कांस्य। ओके, भारत ने 2 खिलाड़ियों का दल इन खेलों में भाग लेने के लिए भेजा था, उनमें से शिवा केशवन ने ल्यूज स्पर्धा में 34वां स्थान प्राप्त किया था, और जगदीश सिंह, इन्होंने पुरुष की स्कीइंग में 119 प्रतियोगियों में 103वां स्थान
प्राप्त किया था। तो बहुत ही कम इससे पूछा जाएगा किसने क्या जीता। ज़्यादातर ये पूछा जाएगा कि नंबर 1 पे कौन सा देश रहा और उसने स्वर्ण पदक कितने जीते, इस तरीके से पूछा जा सकता है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हरजिंदर सिंह प्योंगचांग 2018 में भारत के 2 खिलाड़ियों दल के प्रमुख बनाए गए थे। ये सब नहीं पूछेगा, ये सब में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। ओके, इसके बाद है 12वां शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2018। 12वां शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2018 ये 9 से 18 मार्च 2018 तक ये चला। इसका आयोजन प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में किया गया। शुभंकर था बंदबी, एक एशियाई ब्लैक बियर है ये। ओके, बंदबी। खेलों की संख्या टोटल 15 खेल हुए, टोटल 102 स्पर्धाएं। भाग लेने वाले देशों की संख्या 49, 49। खिलाड़ी टोटल थे 600। ओके, 600। पदक तालिका हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 पे देश रहा अमेरिका, 13 स्वर्ण 15 रजत 8 कांस्य, टोटल 36 पदक जीता अमेरिका ने। इसके बाद न्यूट्रल एथलीट 8 स्वर्ण 10 रजत और 6 कांस्य के साथ ये 24 टोटल पदक इन्होंने जीता और ये दूसरे स्थान पे रहा। कनाडा तीसरे स्थान पे रहा, 8 स्वर्ण 4 रजत 16 कांस्य और 28, टोटल 28 इसने जीता। ओके, इसके बाद फ्रांस रहा चौथे स्थान पे और 7 स्वर्ण 8 रजत और 5 कांस्य, ये इतने पदक के साथ ये चौथे स्थान पे रहा। टोटल 20 पदक इसने जीता। जर्मनी 7 गोल्ड 8 रजत सिल्वर और 4 कांस्य ब्रॉन्ज के साथ इसने टोटल 19 पदक जीता और ये 5वें स्थान पे रहा। ओके, इसके बाद है 18वां एशियाई खेल 2018। 18वां एशियाई खेल 2018 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आयोजन तिथि 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018। 18 अगस्त से 2 सितंबर तक ये चला। कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता तथा पालेमबांग में। ओके, मुख्य स्टेडियम गेलोरो बुंग कार्नो स्टेडियम। ये सब नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है स्टेडियम ये सब। आधिकारिक उद्घाटन करता जोको विडोडो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। शुभंकर था भिन्न भिन्न, ये पक्षी है, और अतुंग हिरन है और काका गेंडा है। इसका ध्येय वाक्य क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया, एशिया की ऊर्जा। मशाल जलाने वाला सुशी सुशांति। खेलों की संख्या ये महत्वपूर्ण है। ओके, टोटल 40 खेल हुए जिसमें 465 स्पर्धाएं हुई टोटल। शामिल देश टोटल 45 देशों ने भाग लिया और 45 देशों के कुल 11,300 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। ओके, भाग लेने वाले कुल भारतीय एथलीट 572। ओके, 572 एथलीटों ने भाग लिया, 36 खेलों में भागीदारी थी इनकी। इसके बाद उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नीरज चोपड़ा थे, भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? रानी रामपाल, ये हॉकी की हैं। ओके, भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? सेफअप डी मिशन ब्रिजभूषण सिंह। ओके, पहली बार शामिल देश ई स्पोर्ट्स एवं कैनो पोलो। भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते? एथलेटिक्स में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टोटल 19 पदक जीता है भारत ने एथलेटिक्स में। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 18वें एशियाई खेल में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? तो आपको याद रखनी है एथलेटिक्स में। ओके, एथलेटिक्स में टोटल कितने पदक? 19 पदक। पदक तालिका हम लोग देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे रहा है चीन, 132 स्वर्ण पदक जीता चीन ने, 92 रजत और 65 कांस्य पदक जीता, 289 कुल पदक जीता चीन ने और ये नंबर 1 पे रहा। दूसरे स्थान पे रहा जापान, 75 स्वर्ण 56 रजत 74 कांस्य, टोटल 205। ओके, 205। तीसरे स्थान पे रहा दक्षिण कोरिया, 49 स्वर्ण
58 रजत, 70 कांस्य, टोटल 177 पदक जीता। ओके, चौथे स्थान पर रहा इंडोनेशिया, 31 स्वर्ण, 24 रजत, 43 कांस्य, टोटल 98, 98। यहाँ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आठवें स्थान पर रहा है भारत। तो भारत की स्थिति यहाँ पे पूछी जा सकती है कि भारत किस स्थान पर रहा है। भारत आठवें स्थान पर रहा है, 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक के साथ टोटल 69, 69 पदक भारत ने जीते हैं। ओके, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां से हम लोग देख लेते हैं, जहां से उम्मीद है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और देखिए काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एशियाई खेल 2018 का पहला स्वर्ण पदक सन पियोन, ओके, ये बुशु में। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? बजरंग पुनिया ने जीता, कुश्ती में इन्होंने जीता। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बजरंग पुनिया कौन सा खेल खेलते हैं, तो आपको याद रखनी है कुश्ती में इन्होंने जीता है 65 किलोग्राम में। ओके, स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, बिनेश फोगाट। ओके, बिनेश फोगाट 50 केजी में। ओके, भारत का पहला शूटिंग का स्वर्ण पदक विजेता सौरभ चौधरी। ओके, सौरभ चौधरी। बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय अमित पंघल 45 केजी में। ओके, 45 केजी। स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर रानी सरनोबत 25 मीटर में, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर है ये रानी सरनोबत। पहला टेनिस डबल स्वर्ण पदक विजेता रोहन बोपन्ना और दिविज शरण। भारत ने किस देश को हॉकी में पराजित किया? हांगकांग को 26-0 से। ओके, बहुत ही करारी हार। शॉट पुल मतलब कि गोला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन है? तेजिंदर पाल सिंह। ओके, तेजिंदर पाल सिंह। पुरुष डबल ट्रैप में रजत पदक विजेता कौन है? भारतीय है ये, शार्दुल विहान। हिमा दास ने कितने मीटर दौड़ में रजत पदक जीता? 400। ओके, 400। हेप्टाथलोन स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय स्वप्ना बर्मन। भारतीय दल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रीता चौकसी 79 ईयर्स, 79 वर्ष की हैं। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी इकी रिकाको, जापानी तैराक हैं ये, 6 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। 19वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे होगा? 2022 में हांगझू में होगा, चीन में होगा। ओके, इसके बाद है 20वां एशियाई खेल का आयोजन 2026 में होगा, नगोया में, जापान में होगा। ओके, इसके बाद है एशिया कप 2018। ओके, एशिया कप 2018 और ये क्रिकेट से संबंधित है, देख लेते हैं इसको। आयोजन तिथि 15 से 28 सितंबर 2018 को, आयोजन तिथि नहीं पूछा जाता है। संस्करण 14वां था ये, 14वां एशिया कप था ये। प्रशासक एशियाई क्रिकेट परिषद, मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, तीसरी बार इसने मेजबानी की है संयुक्त अरब अमीरात ने। ओके, यूएई। प्रतिभागी देश, टोटल 6 देशों ने भाग लिया, कुल खेले गए मैच 13 मैच टोटल खेले गए, विजेता भारत रहा और 7वीं बार भारत विजेता रहा। यह 14वां था मैच संस्करण जिसमें भारत 7वीं बार विजेता रहा है। कप्तान थे रोहित शर्मा। उप विजेता बांग्लादेश रहा, कप्तान मशरफे मुर्तजा। मैन ऑफ द मैच फाइनल में लिटन दास को दिया गया, ये बांग्लादेश के हैं। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट शिखर धवन को दिया गया, 342 रन इन्होंने बनाए थे। इसके बाद है ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 ये आयोजित हुआ था 6 से 18 अक्टूबर 2018 तक ये चला, और कहाँ पे हुआ? ब्यूनर्स आयर्स में। ब्यूनर्स आयर्स कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। ओके, अर्जेंटीना। शुभंकर था पांडी। ओके, पांडी। इसका लक्ष्य क्या था, मोटो क्या था? देखिए इसका मोटो था फिल द फ्यूचर, फिल द फ्यूचर। संस्करण कैवा संस्करण था ये तीसरा संस्करण था, थर्ड।
खेलों की संख्या, टोटल कितने खेल हुए, टोटल 32 खेल हुए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और 32 खेलों में 241 टोटल स्पर्धाएं हुई। भाग लेने वाले देशों की संख्या, 206 देशों ने भाग लिया। भाग लेने वाले कुल भारतीय खिलाड़ी 46, टोटल 46 प्लेयर्स ने भाग लिया 13 खेलों में भागीदारी। ओके, भारतीय खिलाड़ी टोटल थे 46 और 13 खेलों में इन्होंने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मनु भाकर, ये शूटिंग के हैं। ओके, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जेरेमी लालरी नुंगा, ओके, ये भारोत्तोलन है, भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन खेल से। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मनु भाकर ने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में। यूथ ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम भारतीय जेरेमी लालरी नुंगा। ओके, इसके बाद युवा ओलंपिक 2018 में किन तीन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते? जेरेमी लालरी नुंगा 62 किलोग्राम वर्ग में, मनु भाकर और सौरभ चौधरी। ओके, ये है निशानेबाज में। भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते? तो शूटिंग में भारत ने 4 पदक जीते हैं। ओके, किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? कांस्य पदक प्रवीण चित्रवेल ने जीता है। एथलेटिक्स में युवा ओलंपिक 2018 में किन दो देशों ने पहली बार भाग लिया? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोसोवा और दक्षिण सूडान। जूडो में पहला पदक प्राप्तकर्ता भारतीय तबाबी देवी, 44 किलो वर्ग में। ओके, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। चौथा युवा ओलंपिक 2022 में कहाँ होगा? यह डकार में होगा, सेनेगल में, डकार सेनेगल में है। इसके बाद है ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2018, ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018। स्पर्धाएं यहाँ पे दी हुई है, विजेता और उपविजेता। पुरुष एकल रोजर फेडरर ने जीता, स्विट्जरलैंड के हैं ये। मारिन सिलिक उपविजेता, क्रोएशिया के हैं। महिला एकल में कैरोलिना वेंजोया, देखिए बीपीएससी में इस तरह का बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं के बराबर पूछा जाता है। उपविजेता सिमोना हालेप रोमानिया की हैं। पुरुष युगल ओलिवर मराक ऑस्ट्रिया के हैं। रॉबर्ट फरा कोलंबिया के हैं, उपविजेता रहे। मेट पेविच, ओके, ओलिवर मराक और मेट पेविच। ओके, जुआन सेबस्टियन कैबल, देखिए मैं थोड़ा एक साथ नहीं बोल पाया, ये दोनों होंगे, ये उपविजेता, ये दोनों रहे, ये दोनों विजेता रहे। ओके, महिला युगल तीमिया बाबोस हंगरी की हैं और क्रिस्टीना मलादे नोविच, ये फ्रांस की हैं। एकातेरिना माकारोवा, ये रूस की हैं। एलिना वेस्निना रूस की हैं, ये उपविजेता रही हैं। मिश्रित युगल मेट पेविच क्रोएशिया के हैं। गैब्रियाला दब्रोस्की कनाडा की हैं, दब्रोस्की, और उपविजेता रहे हैं रोहन बोपन्ना भारत के, तीमिया बाबोस हंगरी के। ओके, तो ये बहुत ही कम रेयर केस में पूछ लिया जाता है, लेकिन एक बार नज़र हम लोगों को देख लेनी है, एक नज़र से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके बाद है फ्रेंच ओपन। ओके, फ्रेंच ओपन 2018, स्पर्धाएं यहाँ पे दी हुई है, विजेता और उपविजेता। पुरुष एकल राफेल नडाल स्पेन के हैं ये विजेता रहे हैं। डोमिनिक थियम ये ऑस्ट्रिया के हैं, ये उपविजेता रहे हैं। महिला एकल सिमोना हालेप रोमानिया के हैं। स्लोन स्टीफेंस अमेरिका के ये उपविजेता रहे। देखिए युगल का तो बहुत ही कम पूछा जाता है, ओके, बस इतना ज़्यादा पूछा जाता है पुरुष एकल और महिला एकल, युगल में जोड़ी में बहुत ही कम पूछा जाता है। पियर ह्यूग्स हर्ब फ्रांस के हैं और निकोलस महूत फ्रांस के हैं, दोनों फ्रांस के। ओलिवर मराज ऑस्ट्रिया के हैं और मेट पैविक क्रोएशिया के, ये उपविजेता रहे। महिला युगल कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य के हैं, की हैं, और बारबोरा क्रेट्सिकोवा, ये भी, ये चेक गणराज्य की हैं दोनों। और उपविजेता कौन रहे? मकोटो निनोमिया और एरी होजुमी, ये दोनों जापान की हैं। मिश्रित युगल लतीसा चांद चीनी ताइपे की, और इवान डोडिंग क्रोएशिया की।
ओके, गैब्रिएला डाब्रावस की कनाडा के हैं, मेयर पैविक ये क्रोएशिया के, तो थोड़ा सा नाम इन लोग का टेढ़ा है और ये सब नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही कम पूछा जाता है, नहीं के बराबर। इसके बाद है विंबलडन ओपन टेनिस 2018, यहाँ पे स्पर्धा है विजेता उपविजेता, नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच रहे हैं विजेता, केविन एंडरसन दक्षिण अफ्रीका के ये उपविजेता रहे, महिला एकल एंजेलिक केरबर जर्मनी की हैं और सेरेना विलियम्स ये उपविजेता रही हैं, पुरुष युगल माइक ब्रायन यूएसए के हैं और जैक सॉन दोनों सॉक ये दोनों यूएसए के हैं, माइकस माइकल विनस और रेवेन क्लेसन ये न्यूजीलैंड के हैं और ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, ये उपविजेता रहे। कैटरीना सिनेयाकोवा महिला युगल की अगर बात करें तो ये चेक गणराज्य की हैं, बारबोरा क्रेजी कोकोवा चेक गणराज्य, दोनों चेक गणराज्य के और ये विजेता रही हैं महिला युगल में, निकोल मेलिचर यूएसए की हैं, क्वेटा पेस्के चेक गणराज्य की ये उपविजेता। ओके, मिश्रित युगल एलेक्जेंडर पेया ऑस्ट्रिया की हैं, सॉरी ऑस्ट्रिया के हैं और निकोल मेलिचर यूएसए के हैं, विक्टोरिया अजरेका बेलारूस के और जेमी मूरे ब्रिटेन के ये उपविजेता रहे हैं। ओके, इसके बाद है अमेरिकी ओपन टेनिस यूएस ओपन टेनिस 2018। ओके, यहाँ पे है स्पर्धा विजेता उपविजेता, पुरुष एकल नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं ये विजेता रहे, जबकि जुआन मार्टिन डेल पोत्रो अर्जेंटीना के हैं ये उपविजेता रहे, महिला एकल नाओमी ओसाका जापान के हैं जापान की हैं, सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं ये उपविजेता रहीं, पुरुष युगल की बात करें तो माइक ब्रायन अमेरिका के और जैक सॉक ये विजेता रहे, जबकि लुकास कुबोत ये पोलैंड के हैं और मार्सिलो मेलो ये ब्राजील के हैं ये उपविजेता रहे हैं। ओके, इसके बाद है महिला युगल एस्ले बर्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं और कोको वेंडेवेघे ओके ये अमेरिका की हैं ये विजेता रही, जबकि तिमेया बाबोस और क्रिस्टीना मलाडेनोइक ये उपविजेता, मिश्रित युगल बेथानी मैटेक सैंडर्स एवं जेमी मरे ये रहे हैं विजेता। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग स्पोर्ट्स में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिकेट में विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2018-19 विजेता कौन रहा है, मुंबई उपविजेता दिल्ली, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2018 विजेता भारत उपविजेता श्रीलंका, एशिया कप 2018 विजेता भारत उपविजेता बांग्लादेश, दिलीप ट्रॉफी 2018-19 विजेता इंडिया ब्लू और उपविजेता इंडिया रेड, महिला एशिया कप 2018 विजेता बांग्लादेश जबकि उपविजेता भारत, बांग्लादेश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश ने महिला एशिया 2018 का कप जीता है। ईरान कप 2017-18 विजेता बिदर और उपविजेता शेष भारत, देवधर ट्रॉफी 2017-18 विजेता विदर्भ उपविजेता शेष भारत, ये सब बहुत ही कम पूछा जाता है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017-18 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। ओके, इसमें विजेता भारत रहा जबकि उपविजेता पाकिस्तान रहा, रणजी ट्रॉफी 2017-18 विजेता विदर्भ जबकि उपविजेता दिल्ली रहा, महिला विश्व कप क्रिकेट 2017 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इंग्लैंड रहा विजेता जबकि भारत उपविजेता रहा, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 विजेता रहा पाकिस्तान, भारत इसमें हार गया उपविजेता रहा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैडमिंटन की, रूसी ओपन 2018 में सौरभ वर्मा विजेता रहे भारत के हैं और कोकी वातानवे ये जापान के हैं ये उपविजेता रहे, सिंगापुर ओपन 2018 विजेता चोउ तिएन चेन ये रहे, सायाका ताकाहाशी ये उपविजेता, मलेशिया ओपन 2018 की अगर हम लोग बात करें विजेता ली चोंग वेई और उपविजेता केंटो मोमोटा ये रहे, थाईलैंड ओपन 2018 इसमें पुरुष
पुरुष और महिला एकल विजेता यहाँ पे दिया हुआ है। पुरुष में केंता सेनेयामा और महिला में नोजोमी ओकुहारा। थॉमस कप 2018 विजेता रहे, विजेता कौन सी टीम रही? चीन, और उप विजेता जापान। उबर कप 2018 विजेता जापान, जबकि उप विजेता थाईलैंड रहा। ऑल इंग्लैंड ओपन 2018 पुरुष की अगर बात करें तो सीयू की, और महिला एकल विजेता ताई तजू यिंग। ओके, अब हम लोग आते हैं फुटबॉल में। सैफ सुजुकी कप, देखिए थोड़ा सा आपको जूम करके देखना होगा वीडियो को, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले करके एक बार देख लीजिए इसको। वैसे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से पीडीएफ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। सैफ सुजुकी कप 2018 विजेता रहा मालदीव, जबकि उप विजेता भारत रहा। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2018 विजेता जापान, जबकि उप विजेता स्पेन रहा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ही है। ओके, इसके बाद इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 विजेता भारत रहा, केनिया उप विजेता रहा। यूफा चैंपियंस लीग 2018 विजेता रियल मैड्रिड और उप विजेता लिवरपूल। यूरोपा लीग 2018 विजेता रहा एटलेटिको मैड्रिड और उप विजेता रहा मार्सिले। फ्रेंच लीग 2018 विजेता पेरिस एसजी क्लब और उप विजेता रहा लेस हार्विस क्लब। ये सब नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही कम। ला लिगा 2018 विजेता बार्सिलोना और उप विजेता डिपोर्टियो ला कोरुना। संतोष ट्रॉफी 2018 विजेता रहा केरल, ये पूछा जा सकता है। ओके, और उप विजेता रहा पश्चिम बंगाल। इंडियन सुपर लीग 2018 विजेता रहा चेन्नई एफसी और उप विजेता रहा बंगलुरु एफसी। आई लीग 2017-18 विजेता मिनर्वा पंजाब फुटबॉल और उप विजेता रहा चर्चिल ब्रदर्स। अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2017 विजेता इंग्लैंड और उप विजेता रहा वेनेजुएला। चैंपियंस लीग 2017 विजेता रहा रियल मैड्रिड और उप विजेता रहा जुएंट्स। तो ये सब 2017 का है, ये दोनों तो नहीं पूछा जाएगा। हॉकी की अगर हम लोग बात करें तो हॉकी में सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी ट्रॉफी 2018 इसमें विजेता रहा इंग्लैंड और उप विजेता रहा भारत। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। महिला हॉकी विश्व कप 2018 ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें नीदरलैंड विजेता रहा जबकि आयरलैंड उप विजेता रहा। एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2018 विजेता रहा दक्षिण कोरिया और उप विजेता रहा भारत। जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2018 विजेता पंजाब जबकि उप विजेता रहा हरियाणा। सुल्तान अजलान शाह कप 2018 विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड। अब हम लोग टेनिस की बात करेंगे। टेनिस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेवर कप 2018 विजेता रहा टीम यूरोप, टीम वर्ल्ड उप विजेता। रोजर्स कप 2018 इसमें पुरुष की अगर बात करें तो राफेल नडाल विजेता रहे, और महिला एकल विजेता में सिमोना हालेप। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, अभी जस्ट हमने देखा। वाशिंगटन ओपन 2018 पुरुष में अलेक्जेंडर ज्वेरेव और महिला एकल विजेता स्वेतलाना कुजनेत्सोवा। ओके, इसके बाद है रॉस मालेन ग्रास कोर्ट चैंपियनशिप 2018 पुरुष विजेता रिचर्ड्स गैस्केट, और महिला की अगर बात करें तो अलेक्जेंड्रा क्रूनिक। इस्तांबुल ओपन टेनिस 2018 टेनिस चैंपियनशिप 2018 पुरुष की अगर बात करें तो तारो डेनियल और पुरुष एकल विजेता और उप विजेता मालेक जाजिरी। मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट 2018 पुरुष एकल विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव और उप विजेता डोमिनिक थियम। 11वें मोंटे कार्लो मास्टर खिताब 2018 विजेता राफेल नडाल और कोई निशिकोरी उप विजेता रहे। ताइपे चैलेंजर्स 2018 विजेता युकी भांभरी और भारत के हैं, उप विजेता रामकुमार रामनाथन भारत के। मियामी ओपन 2018 पुरुष में जॉन इस्नर विजेता रहे। महिला एकल की बात करें तो
स्लोन स्टीफेंस, ये रही विजेता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 पुरुष की अगर बात करें तो रोजर फेडरर रहे विजेता, जबकि महिला एकल विजेता में रही कैरोलिना वोंजियाकी। होपमैन कप 2018 विजेता स्विट्जरलैंड और उपविजेता जर्मनी। डेविस कप 2017 विजेता फ्रांस और उपविजेता बेल्जियम। कबड्डी की अगर बात करें तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में विजेता रहा भारत और जापान रहा उपविजेता रहा जापान। ओके, तो महत्वपूर्ण है ये क्योंकि भारत ने इसमें जीता, भारत जीता है ये। प्रो कबड्डी लीग 2017 विजेता पटना पायरेट्स और उपविजेता गुजरात फॉर्चून जॉइंट्स। शतरंज की अगर हम लोग बात करें तो गामा रेग्जाविक ओपन 2018, इसमें विजेता रहा भास्करन अधिवान भारत के हैं, उपविजेता मैक्सिस लगार्डे ये फ्रांस के हैं। 11वीं ताल मेमोरियल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2018 विजेता विश्वनाथन आनंद, उपविजेता बोरिस गेलफान। ओके, किंग सलमान वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2017 पुरुष विश्वनाथन आनंद इस पुरुष विजेता में, जबकि महिला विजेता में जू वेनजून चीन की। राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2017 विजेता रहे पद्मिनी राउत और उपविजेता भक्ति कुलकर्णी। ओके, तो ये था हमारा स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इतना से ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, वीडियो को अगर टाइम आपको मिले तो दो बार देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।